हेलो एवरीवन आई एम मनीषा वेलकम टू अपवर्ड स्टडी तो आज के टॉप टेन एम शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बोलूँगी कि जो भी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ उनका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें और साथ में अपना स्कोर आपने साथ साथ में देखना है और एंड में आपने जो है वो अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ओके स्टार्ट करते हैं लेक्चर तो हमारा आज का पहला सवाल है विच टू यूनियन मिनिस्ट्रीज हैम ओ यू फॉर द प्रमोशन ऑफ वन हव वन स्टैंडर्ड यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यूनियन आयुष मिनिस्ट्री यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यूनियन लॉ जस्टिस मिनिस्ट्री या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री और जल शक्ति मिनिस्ट्री तो इसमें से कौन सी मिनिस्ट्रीज ने ये वन हव वन स्टैंडर्ड एमए साइन किया है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड आयुष मिनिस्ट्री ने मिलकर के ये एम जो है वो साइन किया है ओके okay, तो बोल रहे हैं कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसको कहीं ना कहीं इंक किया गया है किसके साथ में बिटवीन फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ठीक है एंड द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इनके साथ में इसको किया गया है ओके तो एम जो है ये क्या देखा देखेगा ये इंटर मिनिस्ट्रल कॉपरेशन को बढ़ावा देगा ताकि ये प्रमोट कर सके वन हर्ब वन स्टैंडर्ड को और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम पब्लिक हेल्थ की तरफ को ध्यान दें और डेवलप करें हार्मोनाइज हर्बल ड्रग स्टैंडर्ड्स को ठीक है वैसे भी आपको पता है कि इंडिया की हिस्ट्री ऐसी रही है कि हम हर्ब्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स तो ये जो स्कीम है प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स ये जो है वो किसके द्वारा की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा चलाई जाएगी ये सपोर्ट करेगा जो भी बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग्स होगी यानी अच्छे से जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ठीक है तो बोला है कि इसको नोटिफाई किया गया दो में इसमें फाइनेंशियल आउटले जो है वो तीन करोड़ तक की रही डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने अप्रूव किया है प्रपोजल थ्री स्टेट्स के लिए हिमाचल प्रदेश याद रखना अभी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं गुजरात आंध्र प्रदेश ताकि ये क्या कर सके बल्क ड्रग पार्क्स को सेट कर सके एंड एम्स टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बल्क ड्रग थ्रू द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नेक्स्ट सवाल है कि विच इंडियन स्टेट और यूटी टी लॉन्च द कंट्रीज़ फर्स्ट वर्चुअल स्कूल कर्नाटका डेली या फिर तेलंगाना और केरला तो उसका करेक्ट आंसर है न्यू डेली अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल जो है वो चला दिया है डेली मॉडल वर्चुअल स्कूल्स यहाँ पर जो है वो रन हो रहे हैं तो यहाँ पर क्लास नाइन टू ट्वेल्व तक के बच्चे एलिजिबल रहेंगे एडमिशन लेने के लिए तो डी एम वी एस कि डेली मॉडल वर्चुअल स्कूल्स ये जो है वो एफिलेटेड होंगे डेली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा और यहाँ पर कोई भी फीस बच्चों से नहीं ली जाएगी इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना और यहाँ पर जो भी क्लास होगी ये एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म के द्वारा होगी जो भी स्कूल नेट या गूगल से जो है वो ली जाएगी नेक्स्ट बोला जा रहा है कि विथ स्टेट और यूटी अप्रूव द हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 जम्मू कश्मीर राजस्थान हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटका करेक्ट आंसर है इसका राजस्थान तो राजस्थान की जो स्टेट कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दी है ये हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 हज़ार जिसमें के चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ के सी अशोक गहलोत इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो यहाँ पर क्राफ्ट्समैन है छः लाख क्राफ्ट्समैन तक को एम्पावर करना उनको जो है वो लेकर के आना और नेशनल लेवल के हैंडीक्राफ्ट वीक तक यहाँ पर कंडक्ट करवाना और ये सब चीज़ें जो है वो रहती हैं यानी आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाला है कि महादई रिवर विच वॉज रिसेंटली मैंशनड इन द न्यूज ओरिजिनेट्स इन विच स्टेट गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र केरला याद रखना इसका ओरिजिन पूछा गया है तो करेक्ट आंसर है कर्नाटका महादई को हम क्या बोलते हैं मंडोवी रिवर भी बोलते हैं मंडोवी या मांडवी रिवर कुछ जगहों पर लिखा होता है तो ये आपको कर्नाटका से निकलती हुई दिखाई देगी ठीक है मांडवी कर्नाटका से निकलती हुई आती है और आगे बह जाती है ठीक है तो गोवा में और कौन कौन सी है आपकी एक उसके अलावा है ज्वारी ठीक है ज्वारी रिवर भी है ठीक है इसके अलावा शरावती रिवर है तो ये यहाँ से बहती हैं तो गोवा कर्नाटका का डिस्प्यूट जो है वो महादेई यानी मांडवी रिवर पर चला हुआ है तो वो सब चीज़ें हैं खास करके जो कालसा भंदूरी प्रोजेक्ट है उसको लेकर के ठीक है ये चीज़ तो आपको याद रखनी है नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड बैन द मैन्युफैक्चर सेल एंड ज ऑफ़ इलेवन ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर अ ईयर टू कप विच हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट इन दैम तो ग्यारह ब्रांड्स को पान मसाला के ग्यारह ब्रांड्स को इन्होंने बैन कर दिया है एक हार्मफुल केमिकल के लिए कौन सा है ये कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम कार्बोनेट ठीक है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है तो इसलिए इनको पूरे एक साल के लिए जो है वो बैन कर दिया गया है ठीक है तो ये हार्मफुल केमिकल मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से किया गया है तो ये केमिकल जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है इससे कैंसरस होता है और ये जो है वो हार्मफुल होता है हमारे हार्ट के लिए और इसके यूज़ को बैन कर दिया गया है फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के रेगुलेशन के द्वारा तो उसके पहले ये जो है वो पान मसाला जो है वो बिहार महाराष्ट्र में भी यहाँ पर बैन इसके ऊपर लग चुका है तो अब झारखंड ने भी बैन लगा दिया नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज़ एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2019 नाइनटीन टू ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू सी तो सेंट्रल सर्टिस्कल ऑफिस के अनुसार क्या हमारी ग्रोथ रेट रहेगी ठीक है बेसिकली uh, इन्होंने क्या एस्टिमेट यहाँ पर लगाया था कि 6.8, 6.4 क्योंकि 1920 देखिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है यहाँ पर क्योंकि आ, ये जो है ये कोविड पीरियड था ठीक है तो इसलिए आपको जो है वो इस चीज को ध्यान में रखना है 6.0 या 5.0 परसेंट तो कितना परसेंट है तो 5 परसेंट जो है वो यहाँ पर इन्होंने एस्टिमेट लगाया था इसका ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं और सी ने अर्लियर इसका एस्टिमेट सिक्स दिया बट बाद में जो है वो ये चीज़ है और आर ने फाइव जो है वो बताया ठीक है तो ये चीज नेक्स्ट वो रहा है कि खादी रिस्ट वॉचेज हैज़ बिन रिसेंटली लॉन्च बाय द खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन एसोसिएशन विद विच कंपनी फॉसल टाइटन टाइमेक्स या कैसी हो? तो इसका करेक्ट आंसर है टाइटन तो नितिन नितिन गडकरी जो है उन्होंने इसको जो है वो यूनिक रिस्ट वॉचेज़ यानी खादी रिस्ट वॉचिज़ को लेकर के आए हैं और ये सब चीज़ें हैं ठीक है नेक्स्ट बोला जा रहा है द ग्रेट रीसेट इज़ प्रपोज थीम ऑफ द समिट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ठीक है उसके रिगार्डिंग तो फ्लैगशिप मैनुअल एनुअल जो डावो समिट यहाँ पर रही उसके बारे में बोला जा रहा है नेक्स्ट हो रहा है कि एंशियट फेस्टिवल ऑफ लाई हरोबा इज़ रिसेंट सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट असम हिमाचल प्रदेश मेघालय त्रिपुरा तो इसको बनाया गया कहाँ पर त्रिपुरा में ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है देखिए उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ की डेली जो आपकी एम वीडियो आती है देखिए उसके ना आंसर्स आप लोग नहीं देते हैं तो यहाँ पर ये जो विशाली सोनी है इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए हैं तो इसलिए मैंने यहां पर इनको आपको शो किया है तो आप भी जो है वो इस तरह से आंसर जरूर दें तो जो भी बेस्ट आंसर्स जो होंगे उसको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया करूंगी तो वो चीज़ है तो ये आपको जो है वो थोड़ा ध्यान में रखना है तो आंसर्स जो है वो देखिए जरूर दिया करें क्योंकि मेरे लिए आपके लाइक या फिर आपका कमेंट ही मेरे लिए क्या रहता है फीडबैक रहता है ठीक है और कोशिश करें कि आप कमेंट करके क्या ज़्यादा करके जो है वो आंसर्स दे किसी चीज़ के ठीक है या फिर अपना शेड्यूल बता सकते हैं कि आपका शेड्यूल क्या रहा आपने कितने गोल्स को अचीव किया वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं ओके और उसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें